आज 12 तारीख है, 11 तारीख की शाम को ये खबर आती है कि एक बॉडी जो जल चुकी है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल मर्चुरी लाया गया है। मैं तो डिप्टी में था, फोन किया तब पता चला। और बाकी वो वहीं पे ना नाली जो खोद रहा था ना मजदूर लोग, पाइप फूटा था, वही लोग अंदर खिड़की से देखे जलते हुए उसको। घर पे कोई नहीं था। अब इसके बाद उसके मन में क्या आया, क्या विचार चल रहा था, ये कोई नहीं जानता। उसके बाद उसने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत से एक मामला आता है, मामला गोढ़ी गांव का है। गोढ़ी गांव में एक युवती जिसने खुद को आग लगा करके अपनी इह लीला समाप्त कर ली, ऐसा बताया जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण अभी पता नहीं चल पाया है, न ही आसपास से किसी भी तरह का कोई लेख प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ अभी संभवतः ये अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि ये या तो उन्होंने खुद यह लीला समाप्त की या तो कोई और कारण था, क्योंकि कारण अभी तक अज्ञात है, जैसा कि परिजनों ने बताया है। और यही जानकारी के लिए हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचे थे। आज 12 तारीख है, 11 तारीख की शाम को ये खबर आती है कि एक बॉडी जो जल चुकी है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल मर्चुरी लाया गया है। यहाँ पर जब हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन भाऊ आते हैं, यहाँ पर पतासाजी करते हैं, तो पता चलता है कि परिजन यहाँ नहीं है, बॉडी लाई गई है। इसकी डिटेल के लिए रात भर हम जुट गए थे, लेकिन पता चलता है कि गूढ़ी गांव से ये सारा मामला हुआ है। सुबह जब हम यहाँ पर आए, लाल बहादुर शास्त्री मर्चुरी के पास आए, तो वहाँ पर परिजनों की भीड़ थी। भीड़ में उनके एक परिजन जो उनके बड़े पिताजी हैं लक्ष्मीकांत, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि जो युवती है जिसका नाम विद्या है, विद्या की उम्र महज 19 साल थी, 12वीं पास के उसे 2 साल बीत चुके थे, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर रही थी, उसी गांव में रहती थी, उसी घर में रहती थी। घर में सबसे बड़ी बेटी, उसके बाद एक बहन और उसके बाद सबसे छोटा भाई। भाई अपने मामा के घर काम करता है, कहीं और रहता है। माता पिता, कल की जो घटना हुई है, इस दौरान माता पिता कहीं बाहर गए थे, पिता भी बाहर थे, और जो बहन है वो भी कहीं गई हुई थी। घर पर कोई नहीं था, घर पे कोई नहीं था। अब इसके बाद उसके मन में क्या आया, क्या विचार चल रहा था, ये कोई नहीं जानता। उसके बाद उसने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया और ये सारी चीज़ें हुई। जब ये चीज़ें हुई तो जब चीख पुकार हुई तो बाहर एक मजदूर काम कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, उसे पता चलता है। वो वहाँ पर मौके पर पहुँचता है और लोगों को आवाज़ लगाता है, पानी डालने के प्रयास किया जाता है, दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुसने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो घटना थी, ये घटना जो हुई थी, इसके बाद से आसपास के क्षेत्र में जो माहौल था वो थोड़ा सा डरावना बन चुका था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो माहौल कुछ अलग बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद तत्काल वहां से फिर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया, और उसके बाद जब डिटेल में परिजनों ने सब कुछ बताया तो मैं आपको इस स्क्रीन के सामने से बता पा रहा हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे जो यहाँ के विजुअल ले रहे थे, वो विजुअल भी आपको चलता नज़र आ रहा होगा। हमने उनके बड़े पिताजी से बात भी की, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मालूम तो कुछ नहीं है सर, वो क्या है, हम लोग काम धाम में गए थे, अकेली थी लड़की घर में, अब क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पता नहीं है। घर में कोई तनाव वगैरह किसी से? कोई तनाव नहीं है, अच्छी खासा था। क्या करती थी गुड़िया से? घर में अपना सिलाई में करती थी। पढ़ाई कब से छोड़ी? पढ़ाई 1 साल 2 साल हो गया। कहीं कोई शादी वादी की बात चला थी इसका घर में? नहीं। आपके आप कहा थे कि बेटी का हमन भाई भाई सोचे रहे नोला, मतलब घर में ककरो बात नहीं करे, हमन भाई भाई सोचे रहे अगले साल दोनों नोनी के एक साथ निपटा वो यार। ऐसे आप मतलब कोई चीज़ बता दे पहले कभी की? ऐसे कोई कुछ नहीं बताया, कुछ चीज़ तकलीफ के नाम में तो कुछ कुछ नहीं। घर में कौन कौन था? अकेली था? वो अकेली था घर में। बाकी कहाँ गए थे? बाकी लोग गांव गए थे, मम्मी और छोटे बहनी गांव रायपुर गए थे उसी टाइम 12-1 बजे निकली से, और जस्ट आधा घंटा बाद ही घटना घटी। और हम लोग सबसे बड़ी बेटी थी। हाँ। कितने भाई बहन होते हैं? वो लोग 3, 2 बहन 1 भाई। पिताजी गांव ही करते हैं। भैया जब लास्ट टाइम आप लोग से मिले होगे आखिरी बार में, तो कुछ बातचीत में कैसी थी? नॉर्मल कुछ देख के? बातचीत में तो अच्छी थी लड़की, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते ये सब करिए, कोई अंदाजा नहीं था। कैसे पता चला आप लोगों को कि जल गई गई? मैं तो डिप्टी में था, फोन किया तब पता चला। और बाकी वो वहीं पे ना नाली जो खोद रहा था ना मजदूर लोग, पाइप फूटा था, वही लोग अंदर खिड़की से देखे जलते हुए उसको। तो उस लोग चिल्लाए ना,
चिल्लाया होगा तो अब पुराना घर अंदर में है ए पार, ए पार के घर, तो वहाँ से फिर हमारे माता पिता और मेरे में से सब आए वो मिट्टी तेल से कि पेट्रोल तेल? मिट्टी तेल से जला है, मिट्टी तेल से। आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत श्रीवास। बड़े पिताजी आप? हाँ। तो ये विद्या के बड़े पिताजी थे जिन्होंने बताया कि क्या कुछ चीज़ें हुई थी, हालांकि कारण अब तक अज्ञात है, इसलिए संभवतः किसी भी तथ्य पे नहीं जाया जा सकता कि यह लीला समाप्त की गई है या कोई और कारण है। कारण और जो प्रश्न वाली बात है, लगातार जो प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसे प्रश्न पिछले कई दिनों से एक और मामले पर उठ रहे हैं, वो है गनियारी वाला मामला, जिस पर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कातिल कौन था। और ठीक उसी के साथ एक और मामला आता है, वो है सगनी घाट में ही उसी क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी एक महिला की। महिला की बॉडी भी पूरी तरह से जली हुई थी, जलने के बाद पूरी तरह से अकड़ गई थी। अकड़ी हुई बॉडी को लेकर के यहाँ पर विजुअल भी बनाया गया था। उस महिला के बारे में उसने जो कपड़े पहने थे उसके ज़रिए जांच पड़ताल की जा रही थी। फिलहाल दुर्ग पुलिस के पास ऐसे दो मामले हैं जिस पर पतासाजी की तरह चल रही है, उस पर बेसिक पुलिसिंग कर रही है। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये जो सगनी घाट में जो बॉडी मिली थी उस महिला के कहीं और से लापता होने की कोई खबर भी कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये भी बताया गया कि महिला 5 दिन से वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये भी बताया गया कि महिला वहाँ पर कहीं और की है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र से ऐसी कोई महिला गायब नहीं हुई है न कहीं गई है। तो कहीं और से महिला को ला करके हो सकता है मारा गया हो और उसके बाद जला करके इस तरह छोड़ दिया गया हो। अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस अपनी तरह से जाँच कर रही है। हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इस मामले में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती लगातार इस तरह के सवाल होते रहेंगे। सवाल हमसे भी पूछती है जनता, तो हम सवाल पूछने प्रशासन के पास जाते हैं। प्रशासन से जो जवाब मिलता है वो फलीभूत होता है कि नहीं, उसके बाद हम आपको स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिलहाल विद्या के साथ जो हुआ और विद्या के साथ जो हुआ है या विद्या ने खुद अपने साथ जो किया है, ये अभी तक ये भी एक प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ हम वापस जाते हैं। इस मामले पर क्या अपडेट आएगा और तमाम मामले जो हैं उस पर क्या अपडेट आएगा, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।